हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने फायर बेस का इंट्रोडक्शन दिया था, इस वीडियो में मैं फायर बेस का यूज़ करके अपने एक साइट को या ऐप जो लास्ट वीडियो में हमने बनाया था, एक इनवॉइस ऐप, उसको मैं फ्री में होस्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे जाना है firebase.google.com पे। यहाँ पे आने के बाद आपको साइनअप करना होगा। अगर आपने साइनअप नहीं किया है तो उसके बाद आपको गो टू कंसोल का ऑप्शन आएगा, आपको गो टू कंसोल के अंदर चले जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट प्रोजेक्ट का, तो मैं इस पर क्लिक करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा जिसका नाम मैं इनवॉइस रख देता हूँ। कंटिन्यू और फिर से कंटिन्यू। यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करना है तो मैं डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आप डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है होस्टिंग का, आपको उस पर जाना है और जब आप होस्टिंग पे आते हो तो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको npm इंस्टॉल करके कुछ लाइन है उसको कॉपी कर लेना है और अपने cmd को ओपन कर लेना है। इससे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके पास npm होना चाहिए, रन npm कमांड, मीन्स कि आपके पास नोड इंस्टॉल होना चाहिए। तो इंस्टॉल डाउनलोड, अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़, नहीं तो मैक है तो मैक में आप नोड को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे विंडोज़ के लिए, जैसे मेरा 64 बिट का है तो अलग अलग टाइप का है, आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंस्टॉलर या फिर डायरेक्टली जिप फाइल डाउनलोड करके आप नोड को इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके बाद आपको चाहिए होगा npm, तो इंस्टॉल npm। npm क्या होता है? npm नोड पैकेज मैनेजर है, मीन्स कि जो हम लोग जैसे यहाँ पे npm इंस्टॉल जी फायरबेस टूल कर रहे हैं, तो ये नोड पैकेज मैनेजर है, मीन्स जितने भी टूल्स वगैरह हमें इंस्टॉल करना होता है तो npm के थ्रू हम लोग ईजिली कर लेते हैं। तो अगर आपने ये दोनों सेटअप कर लिया है तो उसके बाद आप इस लाइन को चला सकते हो। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अपने cmd में पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये जो फायरबेस टूल्स है अब हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। तो उसके बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक लाइन है फायरबेस लॉगिन का, तो मैं इस पे क्लिक करके लॉगिन पे इंटर करूँगा। यहाँ पे लिखा है यू आर ऑलरेडी लॉगिन एज प्रवीण 8252@gmail.com। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया है तो ऐसा कुछ आएगा, जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी लॉगिन रखा है। तो उसके बाद गिट इनिट ये सब कोड चलाना है, तो मैं ये कोड यहाँ नहीं चलाऊँगा। सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट वाले पाथ के पास। यहाँ पे था वो इनवॉइस वाला प्रोजेक्ट और ये रहा वो इनवॉइस, इसको मैं अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ये जो मेरा इनवॉइस वाला प्रोजेक्ट था इसको मैंने ओपन कर लिया। अब मैं टर्मिनल ओपन कर लूँगा और यहाँ पर लिखूँगा npm रन सर्व। अब हमारा प्रोजेक्ट हमारे लोकल होस्ट पे चल रहा है। आप देख सकते हो यही प्रोजेक्ट हमने लास्ट वीडियो में बनाया था और इसको मैं फायरबेस पे फ्री में होस्ट करने वाला हूँ। तो उसके बाद मुझे इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला फोल्डर चाहिए होगा, तो उसके लिए मुझे लिखना है npm रन बिल्ड। ये लिखने के साथ ये बिल्डिंग फॉर प्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स कि एक फोल्डर बनेगा जिसमें कि हम उस प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इसको अगर मैं इसके अंदर जाऊँ रिविलियन एक्सप्लोरर करके, तो यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल है js css में, जितने भी जावास्क्रिप्ट या css के फाइल है वो अच्छे से एक डायरेक्टरी बाई डायरेक्टरी अरेंज हो चुका है और इस फोल्डर को या इस डायरेक्टरी को हम लोग अपने सर्वर पर अपलोड करके अपने इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं वापस से यहाँ आता हूँ और ये वाला स्टेप मैं फॉलो करूँगा फायरबेस इनिट का। फायरबेस इनिट ये इस प्रोजेक्ट का पाथ उठा रहा है, मीन्स कि जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है डेस्कटॉप व्यू प्रोजेक्ट इनवॉइस के अंदर ये बोल रहा है कि उसी के साथ मुझे प्रोसीड करना है, तो मैं वाई करूँगा। और उसके बाद आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आएगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है तो आपको नीचे होस्टिंग पे आना है, स्पेस पे इंटर करके इसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर इंटर पे हिट करना है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। यहाँ पे जरा यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ।
मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का यूज़ करूँगा जो कि मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट किया, तो इस पर एंटर करूँगा। तो यहाँ पे जो भी इनवॉइस नाम का प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था उसका ऑप्शन आ रहा है, तो एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा व्हाट डू यू वांट टू यूज़ एज योर पब्लिक डायरेक्टरी। तो मैं DIST फोल्डर का यूज़ करने वाला हूँ, जो DIST फोल्डर अभी क्रिएट हुआ है जिसमें कि हमारे प्रोटेक्शंस वाले फाइल हैं, तो उसको यूज़ कर लूँगा। अभी पूछा कन्फिगर एज ए सिंगल पेज ऐप, तो मैं नो करने वाला हूँ। और सेटअप ऑटोमेटिकली बिल्ड्स एंड डिप्लॉय विद गिटहब, तो इसको भी मैं नो करने वाला हूँ। अब ये पूछ रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में index.html पहले से है, और जब भी हम इस कोड को चलाते हैं तो ये एक खुद का index.html क्रिएट करता है, तो मैं नहीं चाहता कि ये ओवरराइट हो क्योंकि मेरा ओरिजिनल फाइल जाना चाहिए, तो मैं नो कर देता हूँ। अब जब इतना हो जाएगा तो आपको उसके बाद एक कमांड आता है Firebase deploy, और ये सेम कमांड आप यहाँ भी देख सकते हो। मैं अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो यहाँ पे Firebase deploy है, तो उसी का मुझे यूज़ करके एंटर करना है। और जो मेरा प्रोजेक्ट है वो होस्ट पे डिप्लॉय हो रहा है, जितने भी फाइल्स हैं वो हमारे होस्ट पे जा रहे हैं। डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है, तो मैं यहाँ पे आके गो टू कंसोल पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले से दो डिफ़ॉल्ट डोमेन है। अगर आपको कस्टम डोमेन ऐड करना है तो आप यहाँ से अपने डोमेन का नाम ऑनर से वेरीफाई करके आप कस्टम डोमेन को यूज़ कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जीरो फाइल्स दे रहा है, वैसे अपडेट नहीं हुआ है, और अभी मैं चेक करता हूँ उसे। तो जो हमारा ऐप था जो लोकल होस्ट पे चल रहा था, ये रहा लोकल होस्ट का लोकल होस्ट 8081, और ये रहा हमारा वेब एड्रेस जहाँ पे कि ये ऐप चल रहा है। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से अपने फाइल्स को Firebase होस्टिंग की मदद से फ्री में होस्ट किया। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सबके साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे यहाँ से सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।